फिल्म इंडस्ट्री में रिव्यू के नाम पर चल रहा है ये गंदा खेल, और क्यों भारत ने अब भूटान को दे दिया चेतावनी, और यह है दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम, कई दिनों तक फंसे रहे थे लोग। जानेंगे इन सभी मजेदार फैक्ट्स के बारे में, बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, भूटान और चीन के इस कदम से पहले भारत घबराया हुआ लग रहा था। भूटान जल्द ही डोकलाम का कंट्रोल चीन को दे सकता है। भारत भूटान और चीन के क्षेत्र से बना डोकलाम इस समय हॉट टॉपिक है। चीन ने 12 में से 10 देशों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिया है, और अब भूटान से भी डोकलाम समझौता सुलझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत की नींद उड़ गई है। अगर भूटान ने डोकलाम का कंट्रोल चीन को दे दिया तो भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी खतरा मंडराने लगेगा। साथ ही चीन डोकलाम से भारत पर नजर भी रख सकेगा। युद्ध की स्थिति में चीन डोकलाम से चिकन नेक को भारत से अलग कर भी सकता है। ऐसे में भारत ने भूटान को चीन से डोकलाम समझौता न करने की चेतावनी दी है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप भी रिव्यू पढ़कर फिल्म देखने जाते हैं तो रुक जाइए। फिल्म रिव्यू के नाम पर इंडस्ट्री में ऐसा गंदा खेल चल रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म हिट करवाने के लिए क्रिटिक्स को मोटा पैसा खिलाते हैं। साउथ के एक डायरेक्टर ने इसे लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उनका आरोप है कि कई फिल्म क्रिटिक्स उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें पैसा खिलाओ वरना तुम्हारी फिल्म का गंदा रिव्यू दे देंगे। डायरेक्टर ने मांग की है कि रिलीज से कम से कम 10 दिनों तक क्रिटिक्स को रिव्यू देने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 3, ट्रैफिक जाम में फंसे रहना किसे पसंद है? अगर 5 मिनट भी इंसान जाम में फंस जाए तो उसका दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार ऐसा जाम लगा था कि लोग अपनी गाड़ियों में 12 दिनों तक फंसे रहे। ये ट्रैफिक जाम 100 किलोमीटर लंबा था। इसे इतिहास का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम माना जाता है। 10 अगस्त 2010 को चीन में नेशनल हाईवे 110 पर ये लंबा जाम लगा था। अचानक हैवी ट्रक्स बीजिंग आ गए थे और कुछ ही दिनों में हाईवे मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो गया था, जिस वजह से ये जाम लगा। छोटे व्यापारियों ने जाम का खूब फायदा उठाया और हर चीज को 15 गुना ज्यादा दाम में बेचने लगे। फैक्ट नंबर 4, अगर आपने प्लेन का टॉयलेट यूज किया है तो आपने नोटिस किया होगा कि कैसे कमोड तुरंत अपना वेस्ट खींच लेता है। आपके घरों के टॉयलेट के मुकाबले प्लेन के कमोड में फ्लश ज्यादा तेज स्पीड में काम करता है। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं। दरअसल प्लेन के टॉयलेट में वैक्यूम मशीन लगाई जाती है। उड़ते प्लेन में वेस्ट को अच्छे से हैंडल करना पड़ता है वरना वेस्ट पाइप ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए प्लेन के कमोड में से वैक्यूम लगाया जाता है। ये बिना पानी के काम करता है और सिर्फ वैक्यूम से ही सारा वेस्ट अपनी ओर खींच लेता है। फैक्ट नंबर 5, यूपी के झांसी से एक अजीबोगरीब केस सामने आया। दरअसल शादी के बाद लड़की के पिता ने अपने दामाद के सामने अजीब शर्तें रखी थी। दरअसल ये भाई दूल्हा बनकर बारात लेकर पहुंचा शादी करने, फिर शादी हो गई, फेरे हो गए, लेकिन जब विदाई का टाइम आया तो दुल्हन के पिता ने दूल्हे को अपनी कुछ शर्तें सुना दी। पहली शर्त कि तू मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करेगा, दूसरी शर्त कि दुल्हन के साथ उसकी छोटी बहन भी जाएगी। अब ये बातें सुनकर दूल्हे का दिमाग खराब हो गया, फिर उसने शादी से इनकार कर दिया। फैक्ट नंबर 6, अगर आप भारतीय नागरिक हैं फिर आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? अगर नहीं सोचा तो हम किस लिए हैं, हम बताएंगे। तो भारत में सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनवाने का बना था, जिनके बाद पूरे देश के लोगों ने आधार कार्ड बनवाया। फैक्ट नंबर 7, ये तो हम सभी को पता है कि हमारे खून का रंग लाल होता है, लेकिन लाल रंग होने के बावजूद भी हमें हमारी नसें नीली और हरी क्यों दिखाई देती है? तो इसका मुख्य कारण है सूरज की सफेद रोशनी। जी हाँ दोस्तों, सूरज की सफेद रोशनी जब बॉडी पर पड़ती है तो लाल रंग प्रकाश को सोख लेता है, ये फैलता नहीं है। इसी वजह से लाल रंग चमड़ी के ऊपर नजर नहीं आता है, वहीं नीला या हरा रंग बॉडी सोख नहीं पाती और फैल जाती है। इस वजह से चमड़े के ऊपर से नसों का रंग हरा या नीला नजर आता है। यही कारण है कि बॉडी के बाहर से नसों का रंग हरा या नीला नजर आता है, ना कि लाल। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।